उनकी परेशानी सिर्फ होती है तीसरी शादी की वजह से थी, जो उनकी जब से ये वीडियो उनकी वायरल हुई है उसके बाद से वो बहुत ही अपसेट हो गया था। वो भी परसों बात हुई और कल भी थी, कल मैं इनफैक्ट नया कूलर भी लेकर आया था, थोड़ी गर्मी थी अंदर, बाकी कल तक तो तबीयत ठीक थी, सो रहे थे। जैसे वहाँ से हमें ऑटोप्सी मिलती है ना, हमने कुछ सामान यहाँ से उठाया है, उसको हम सेरोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी वगैरह भेजेंगे, तो फिर उसके बाद पता चले। तो आया मैं अमर लियाकत के दफ्तर में, अंधेरा छाया होता, लेट में थी, ठीक है, मोबाइल वगैरह की रोशनी जलाई तो सोफे पे ये पड़े होते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम उबैद है और मैं इधर ही लाइन जरिया NA245 का रिहाइश हूँ। और माशा से आमिर लियाकत साहब बहुत जिंदा दिल इंसान थे और उनकी जो हलाकत हुई है उसके लिए हम बहुत अफसोस है हमें। और जो इस तरह के लोग बातें उड़ा रहे हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है या वो ड्रग्स यूज़ करते थे, इस तरह की बातों को ना सुने और ना इस तरह की इल्ज़ाम लगाएँ, क्योंकि देखिए जो इस शख्स इस दुनिया चला है वो देखिए, वो शख्स बहुत ही अच्छा इंसान था, नफीस इंसान था, उसने अंडर टेबल बहुत ही लोगों की मदद की, जो आपके आपको वक्ता फाक्ता में नज़र आएगा कि उसने कितने घरानों को राशन मुहैया किया, कितने घरानों में रोशनी पढ़ाई है, जो तालीम की रोशनी। और मैं ये कहूँगा जो इस वक्त जो आज वो परेशान है हाल पे, उनकी परेशानी सिर्फ होती है तीसरी शादी की वजह से थी, जो उनकी जब से ये वीडियो उनकी वायरल हुई है उसके बाद से वो बहुत ही अपसेट हो गया था, बहुत ही यानी कि उनकी पूरी ज़िंदगी भर की उनकी जो उनकी एक काविशें थी, जो उनकी उनकी मेहनत थी, वो बिल्कुल जो है एक रायका हो रही थी। और मैं कहता हूँ ये जो उनकी तीसरी बीवी है वायका था, ये मैं समझता हूँ पूरा एक ग्रुप है जिन्होंने इनकी पूरी ज़िंदगी को डिमोलिश कर दिया। और मैं यही कहूँगा कि वो अपनी बेटी दुआ को बहुत मिस करते थे, कि हमारी जब हमारे एजुकेशन के हवाले से जब हमारे उनसे बात हो रही थी तो वो ये कहते थे मेरी बेटी मेरे लिए दुआ है, मेरी रहमत है, और मैं जब से अपनी पहली मिसेज को मैंने छोड़ा था, मेरी दुआएँ मेरी रहमत उससे दूर हो गई है। तो शायद उनसे इस बात को उन्हें आज बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जो अपने दिल पर ले बैठे और वो आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपको कैसे पता चला और सुबह से अब तक क्या किया? देखिए हमें जावेद जो उनका पर्सनल नौकर है वो क्या कहते हैं 12:40 के रूम में गया है, तो उसने देखा कि वो बिल्कुल निडाल दे, तो उसके बाद जो उसने फिर सबको कॉल किए और उसके बाद मैं थोड़ा सा देर से काफी से पहुंचे जब वो एम्बुलेंस से आ खान लेके जा चुके थे और आ खान से फौरन रिपोर्ट आ गई कि वो एक्सपायर हो चुके, और उसके बाद जो अभी वो जिना लेके गए और अभी देखें इंशाल्लाह उनके घर में से डिफेंस वाले घर से तकफीन होगी। और नमाज जनाजा के बारे में? नमाज जनाजा भी, क्योंकि उनका बेटा जो अभी लंदन से आ रहा है और उनके बेटा आने के बाद ही कुछ डिसाइड होगा क्या है, लेकिन अभी भाभी जो है वो बताएंगी कि हो सकता है उसके आने से पहले, क्योंकि सीट कन्फर्म नहीं हुई है, तो ये डिफेंस वाले घर से ही होगा। थैंक यू। कब तक एक्सपेक्टेड है कि पता चले? यार जैसे वहाँ से हमें ऑटोप्सी मिलती है ना, हमने कुछ सामान यहाँ से उठाया है, उसको हम सेरोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी वगैरह भेजेंगे, तो फिर उसके बाद पता चले। सर कमरे से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं? कमरे में काफ़ी चीज़ें हैं, जाहिर है वो जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी वो सारी हमने कब्जे में ली। सर सुना था कि 12 बजे वो नीचे भी आए थे, ये अभी कबल वक्त है, देख रहे हैं चीज़ें, फिर वो बताएं। थैंक यू। उनकी तबीयत खराब नहीं थी, वो ठीक थे, थोड़ा सा सिर्फ जनरेटर का शिकायत कर रहे थे, वो भी परसों बात हुई और कल भी थी, कल मैं इनफैक्ट नया कूलर भी लेकर आया था, थोड़ी गर्मी थी अंदर, बाकी कल तक तो तबीयत ठीक थी, सो रहे थे, एयर कंडीशन लगा हुआ अंदर, बहुत लगे हुए, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा रखा हुआ था, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। कल भी माशाल्लाह जब दोपहर में बात हुई है मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा जी मैं शाम तक आ रहा हूँ, बस मैं शाम में पहुँचा तो वो सो रहे थे उस टाइम पर, फिर बात हुई है उसके बाद सुबह हुआ। सॉरी नहीं नहीं वो कुछ भी ऐसा कुछ सर, ये सच है कि 12 बजे नीचे आए थे और किसी से बात करके गए? मैं सुबह नहीं था यहाँ पे, मैं रात चला गया था, कल रात तक मैं था, फिर मैं चला गया था, तो वो सुबह जो आए वो जावेद को एक्चुअली पता होगा मेरी बात हुई, तो बस जावेद ने कहा था कि तबीयत खराब हो रही है मेरी, जब जावेद से बात हुई थी उस टाइम उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आ ही रहा था अभी उनके घर ही आ रहा था, तो बस ये खबर मिली।
बजे तकरीबन मुझे इतला मिली हमारे कंट्रोल से, तो आया मैं अमर लियाकत के दफ्तर में, अंधेरा छाया होता, लाइट नहीं थी, ठीक है, मोबाइल वगैरह की रोशनी जलाई जो सोफे पे ये पड़े होते, तबीयत काफ़ी नासाद हालत में थी, इनको स्ट्रेचर पे शिफ्ट करवा के फौरी तौर पे आगा खान की तरफ मूव करवाया। आगा खान पहुँचते ही हमें तस्दीक होगी, डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी एक्सपायर हो। तो जब आप लेके गए तो मतलब ऑलरेडी वो एक्सपायर थे? नहीं, उस वक्त उनकी तबीयत नासाद हालत में थी, धड़कने चल रही थी, उनको लेके आगा खान की तरफ मूव करवाया। देख ले आप, देख ले।